नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका ओरिजन अकेडमी में स्वागत करता हूँ। लास्ट के लेक्चर में मैंने लेथ मशीन पे जो 9 टेस्ट कैरी आउट होते हैं उसमें से 2 टेस्ट लिए थे। आज के वीडियो में वापस मैं 2 टेस्ट कवर करने वाला हूँ। तो आप पहले देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्या किया है, आपका लेथ मशीन का जो टेल स्टॉक रहेगा, टेल स्टॉक और सैडल का डायग्राम निकाला है। तो ये टेस्ट का जो नाम है वो बोल देता हूँ आपको, पैरेललिज्म ऑफ टेल स्टॉक स्लीव विथ सैडल मूवमेंट। ये क्या होता है बता देता हूँ पहले, कि आपका ये टेल स्टॉक है वो कंप्लीट टेल स्टॉक जैसे नहीं दिखेगा, लेकिन आपको एक कंसेप्ट के लिए डायग्राम बनाया है ये, कि ये टेल स्टॉक का आपका बॉडी है। ये बॉडी में आपको पता है कि अंदर एक बोर होता है और बोर के अंदर एक स्लीव होती है। तो स्लीव क्या होती है कि पीछे यहाँ पे एक हैंडविल रहता है, आपको पता है एक ऐसा हैंडविल रहता है। वो हैंडविल को अपने रोटेट करने के बाद क्या होता है, ये स्लीव क्या होती है यहाँ से ऐसे वो हाउसिंग से बाहर आती है, ठीक है। तो ये जब स्लीव बाहर आ रही है उससे, तो वो आते टाइम कैसे आ रही है, मतलब कंसिडर करिए ये स्लीव है आपका और ये आपका हाउसिंग का बॉडी है। ये क्या हो रही है, स्लीव ऐसे धीरे धीरे बाहर आ रही है, बाहर आते टाइम ये स्ट्रेट लाइन में आ रही है या ऐसे जाते टाइम नीचे जा रही है ऊपर जा रही है। दो प्लेन है इसके, एक ये ऐसे भी जा सकती है ऊपर ऐसे, और ये डायरेक्शन में भी, दोनों प्लेन में मूव हो सकती है। तो ये जो बाहर निकलते टाइम इसका पैरेललिज्म कैसे है, मतलब आपके ये जो टेबल है टेबल के साथ कैसा है, वो आपको देखना है। उसके लिए क्या अरेंजमेंट है कि आपका जो सैडल है, जो पहले बेड रहेगा, बेड के ऊपर आपका कैरेज रहेगा, कैरेज के ऊपर आपका सैडल रहेगा। वह सैडल के ऊपर आपको क्या करना है, आपका जो मैग्नेटिक डायल स्टैंड है वो रख देना है, और फिर आपको ये स्लीव थोड़ी सी बाहर निकालनी है, और फिर आपको वहाँ पे आपका डायल इंडिकेटर रखना है। डायल इंडिकेटर रखने के बाद क्या करना है, धीरे धीरे स्लीव को क्या करना है, बाहर निकाल। आप देख सकते हो कि ये स्लीव थी और ये जो डॉटेड लाइन है उसकी एक्सट्रीम पोजिशन है। तो आपको धीरे धीरे स्लीव ऐसे बाहर निकालनी है, तो फिर ये क्या करेगा, आपका पॉइंटर क्या करेगा, मूवमेंट दिखाएगा, ठीक है। वो मूवमेंट अगर विद इन लिमिट है मैन्युफैक्चरर ने जो दिया है, तो आपको क्या करना है, वो टेस्ट क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। आप देख सकते हो कि कंसिडर करिए आपकी स्लीव थी, आपको क्या करना है, और ये आपका डायल इंडिकेटर है। तो यहाँ पे रखना है पहले कि यहाँ पे, और ये धीरे धीरे ऐसे जैसे आगे आगे जाएगी तो आपको क्या होगा, मूवमेंट दिखेगा। फिर ये जो नेक्स्ट डायग्राम है उसका देख लेते हैं क्या है, अलाइनमेंट ऑफ बोथ सेंटर्स इन वर्टिकल प्लेन। अलाइनमेंट ऑफ बोथ सेंटर्स इन वर्टिकल प्लेन, ये आपका हेड स्टॉक है। हेड स्टॉक के अंदर क्या किया, मैंने एक सेंटर रखा है। यहाँ पे आपका टेल स्टॉक है, टेल स्टॉक के अंदर यहाँ पे भी मैंने क्या किया, हॉलो रहता है। ये जो स्लीव है ये हॉलो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दो लाइन से। तो ये दोनों के अंदर मैंने क्या किया, सेंटर रखे, और सेंटर के अंदर ये क्या किया, मैंड्रिल मैंने इंसर्ट किया है। ये मैंड्रिल है, ये इधर का सेंटर है, ये इधर का सेंटर है। फिर इसको अभी मुझे क्या करना है, ये दोनों भी सेंटर है, ये बराबर उसका अलाइनमेंट है क्या, ये चेक करना है। इसके लिए मैंने मैंड्रिल रखा, फिर मैंने क्या किया, जो कैरेज है कैरेज के ऊपर मैंने डायल स्टैंड रखा। डायल स्टैंड रखने के बाद उसका डायल का पॉइंटर क्या किया, आपके मैंड्रिल पे रखा। फिर अभी क्या करूँगा, ये व्हील को क्या करूँगा, मैं मूव करूँगा राइट और लेफ्ट को, दोनों साइड मूव करूँगा। तो मूवमेंट करते टाइम अगर ये मैन्युफैक्चरर ने जो लिमिट दिया है उसके विद इन लिमिट है, तो आपके सेंटर्स ओके है, मतलब ठीक है। इसका इफेक्ट क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको, कि ये दोनों सेंटर्स है, ये दोनों सेंटर्स परफेक्टली अलाइन नहीं है। तो क्या होगा, अगर आप बिटवीन सेंटर जॉब पकड़ोगे, कंसिडर करिए ये सेंटर्स ऐसे है, शिफ्ट है, एक ऊपर है एक नीचे है, तो क्या होगा, आप जब जॉब सेंटर में पकड़ोगे बिटवीन सेंटर, वो जॉब भी क्या होगा, ऐसे टिल्ट होगा। टिल्ट होगा तो क्या होगा, आप जब उसको कट लगाओगे तो क्या होगा, एक जगह पे कट लगेगा, एक जगह पे डायमीटर छोटा होगा, एक जगह पे कट लगेगा ही नहीं। इसके लिए क्या है, आपको ये टेस्ट भी करना ज़रूरी है कि ये दोनों जो सेंटर्स है, ये दोनों सेंटर्स परफेक्टली एक लाइन में है कि नहीं। इसके लिए आपको ये टेस्ट परफॉर्म करनी पड़ती है, एकदम सिंपल है। दोनों हेड स्टॉक और टेल स्टॉक में सेंटर लगाओ, बीच में मैंड्रिल पकड़ो, आपका जो डायल स्टैंड का बेस है यहाँ पे कैरेज पे रखो, फिर डायल इंडिकेटर को आपके मैंड्रिल को टच करो। टच करने के बाद हैंडव्हील से आपका कैरेज मूव करो लेफ्ट और राइट, तो आपका डायल इंडिकेटर जो मूवमेंट करेगा वहाँ से आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो कि आपके सेंटर बिटवीन, मतलब लिमिट में है या नहीं है। आपको वीडियो कैसा लगता है ज़रूर बताइए। थैंक यू।